पवन जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने सीधी सरल रेखा सुमित्रा सरल से मिला रखी है। इस उम्र में आपके ये जलवे हैं तो जवानी में भगवान जाने क्या किया होगा। ये पवन जी जो बैठे हैं, 87 बार खून दिया पर हमारा खून पी रहे हो अब आप। 1.5 घंटे में कम से कम 10 बार चश्मा निकाला, पोछा वापस लगाया। आप इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो किया इनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लेना। के चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, के चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो पर ये अमृता राय नहीं है। पर हम तो क्या नए लड़के हैं, देखो पवन जी, हमको दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। मैं अर्जुन और हमारा सबसे वरिष्ठ कवि ओम सोनी जी, हम तीनों खड़े हुए हैं यहाँ। अभी कार्यक्रम के पहले भगवान प्रकट हुए, बोले तुम तीनों का आज फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज, मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन के लिए भी भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अर्जुन बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। अर्जुन बोला महाराज, मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे ओम सोनी जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान, सोनी जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले सोनी जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में चिड़िया मार दी थी। सुमित्रा सरल जी ने बहुत बढ़िया बातें करी। सुमित्रा एक बात बता दूं, ये हरोती के छोरे हैं, इनके चाले मत लगो। जरा कोई हंस के देख ले, क्या है हरोती के छोरे कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, कोटा जाके उसके पीछे खर्चा तमाम करते हैं। और ये तो अंता के छोरे हैं, इतने भोले भाले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। हाँ, और मैं तो क्या, ये प्रेम मोहब्बत की कविताएं लिखता नहीं हूँ, मैंने लिखना बंद कर दी, क्योंकि शादी को हो गया 17 साल, अब न प्रेम बचा न मोहब्बत बची, क्यों लिखना। अच्छा, मैंने लिखना इसलिए बंद कर दिया, 4 पंक्तियाँ सुनना, क्यों लिखना बंद कर दिया, कि मेरी भावनाएं हद से ज़्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियाँ भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियाँ मगरमच्छ हो गई। तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। कोरोना की 3-3 लहर निपटा दी, फिर भी हम इसलिए बच गए क्योंकि हमें आपको कविता सुनाना थी, आपको सुनना थी। कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए, कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए कुछ जगह रखिए हथी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में, हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। मैंने भाई साहब 2 पंक्तियाँ लिखी थी, मैं नहीं जानता कि ये कविता है या नहीं है, पर मेरे मन में जो था मैंने लिखा था कि मणिपुर पर हम चुप रहे, मणिपुर पर हम चुप रहे, बंगाल पर तुम चुप रहे, और ये घटनाएं होती रही, हमारी आस्थाएं राजनीतिक तो जिंदा रही, बस भारत माता रोती रही। बहुत बढ़िया। क्या पजामा क्या काम का जब नाड़ी नहीं है। मैं इतनी जोर जोर से कविता पढ़ू मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जा। तो भाई साहब तो राजस्थान के कवि, हम मालवा वाले हैं, इनने दाल बाटी चूरमा खाया विनीत जी ने, हम तो पोहे वाले हैं। इतना जोर थोड़ी लगे दादा। मैं इतनी जोर जोर से कविता पढ़ू मेरे को आईलेक्स की जरूरत पड़े। तो विनीत जी है तो यूं कर लो, तो अपने तो हालत खराब है। क्या पजामा क्या काम का जब लाड़ी नहीं है। देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है,
इससे ज्यादा टेंशन ही लेना। देखो आज सब तरफ यही स्थिति है, बार बात हुई राम मंदिर बन गया, राजनीति के लोग बैठे हैं भाई साहब, राजनीति में कुछ नहीं बदलता है, सब वो का वही है। आज देखो हमने नारा लगाया, अयोध्या तो झकी है काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झकी है काशी मथुरा बाकी है। मंदिर बन गया 22 जनवरी को, चुनाव हुए 4 जून को हार गए, सपा जीत गई, नारा वही है। अब सपा वाले लगा रहे हैं अयोध्या तो झकी है काशी मथुरा बाकी है। इसलिए ज्यादा राजनीति का टेंशन नहीं लेना। आप देखो ममता जी ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी टाइम क्या हुआ है, मोदी जी ने जैकेट के हाथ जेब में हाथ डाला, घड़ी निकाली वापस रख दी, फिर दूसरे जेब में हाथ डाला, घड़ी निकाली वापस रख दी, फिर बोले कि 11:10। ममता जी बोली कि ये तो ठीक है 11:10 पर ये क्या लफड़ा है, इस जेब में हाथ डाला घड़ी निकाली, इस जेब में हाथ डाला घड़ी निकाली, ये लफड़ा क्या है। मोदी जी बोले कि एक में घंटे का कांटा नहीं है, एक में मिनट का कांटा नहीं है। लेकिन ताली इस बात पर बजाना, जो एक घड़ी है वो चंद्रा बाबू है, दूसरी नीतीश कुमार है, और इन दो ही घड़ी ने मिलकर मोदी जी का सही टाइम ला दिया है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं, प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहा, मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि अपना चेचिस इस लायक नहीं है। एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फेट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा, क्या बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खुटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुरपणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। क्या खुद भले ही सुरपणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है, और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली आप सब पे कविता सुनाते हो, मेरे पे कुछ सुना। मैंने कहा देख देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी तो मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई। मैंने कहा कि तू करीना कपूर, तू है मेरी करीना कपूर, और मैं तेरा ऋतिक रोशन, कि तू करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दाँत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोशन। काय के लिए, अच्छा सब बार बार कह रहे हमने इनसे सीखा, यह सही बात है। ओम जी भाई साहब, मुकुट जी, विनीत जी भी, हमने तो इनसे भी सीखा, इनने उनसे सीखा, हमने इनसे सीखा, बात तो बराबर ही है। हम गए भाई साहब वृंदावन कवि सम्मेलन में, ओम जी, विनीत जी, मुकुट जी, हम सब साथ में, तय ये हुआ कि एक दिन होगा कवि सम्मेलन, दूसरे दिन करेंगे गोवर्धन परिक्रमा। मैं सबसे छोटा था, मैंने एक निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब मेरा एक निवेदन है कि यह धार्मिक स्थान है, गोवर्धन परिक्रमा करते समय यह तय करो कि मन शुद्ध होना चाहिए, मन की भावनाएं शुद्ध होना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी लड़की दिख जाए उसको देखना नहीं है, नहीं देखना। भाई साहब ने भी कहा नहीं देखना, पर मानव प्रकृति है, कभी गलती से निगाह पड़ जाए तो तुरंत भगवान से क्षमा करो, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। यात्रा शुरू हुई, 5 मिनट बाद एक आवाज आई, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, आपने ठहाका गलत जगह लगा दिया। जैसे ही आवाज आई हे प्रभु मुझे माफ कर दो, बाकी सब चिल्लाए किधर है। तो इसलिए क्या हमने तो इनसे सीखा जो सीखा, क्या पजामा क्या काम का जब लाड़ी नहीं है, देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है, कोई संत महात्मा फकीर लग रहा है, कोई मुछ मुंडा है, किसी के पास दाढ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी हो ना हो या अच्छी शक्ल होना चाहिए, पर नेता ऐसा हो जिसके पास एक भेजा हो उसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। और हमारे नेता में अक्ल कितनी हो,
एक एक पंक्ति पे समर्थन करना व्यंग की पंक्तियों पे, कि नेता ऐसा हो जिसके पास एक भेजा हो उसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। अक्ल कितनी हो कि धारा 370 का विरोध ना करे, अक्ल कितनी हो कि धारा 370 का विरोध ना करे, राम मंदिर में अवरोध ना करे, तीन तलाक पर वॉकआउट ना करे, सर्जिकल स्ट्राइक पर डाउट ना करे, अपना हित राष्ट्रहित से बड़ा नहीं हो और अफजल की बरसी पर जाकर खड़ा नहीं हो। वाह।